नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फीएसटे क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीटीएससी जेई न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले, विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है, आखिर बीटीएससी जेई की न्यू वैकेंसी कब आएगी और कितने पदों पर यह वैकेंसी निकल के आ रही है, विभाग के अंदर क्या चल रही है, सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट में 2019 वाला वैकेंसी जो केस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टे लगाया गया है न्यू वैकेंसी में, क्या स्टे सुप्रीम कोर्ट हटा दिया है, क्या 2019 वाला वैकेंसी क्लियर हो गई है या फिर से न्यू हायरिंग रेट मिली है, क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है बीटीएससी जेई के बारे में, सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीटीएससी जेई की न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ पुराने वैकेंसी क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर ले। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पर चलते हैं और केस स्टेटस हम आपको दिखा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जो न्यू वैकेंसी पर स्टे लगाया है वह स्टे हटाया या नहीं हटाया और न्यू हायरिंग डेट कब है, उसके बाद बताने वाले हैं जब बीटीएससी जेई की न्यू वैकेंसी कब आएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, देख लीजिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं। चलिए यहाँ पे व्यू करके हम आपको पूरी जानकारी बता रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों, शशिभूषण प्रसाद सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, डायरी नंबर देख लीजिए 88/24/2023। तो चलिए यहाँ पे हर एक चीज़ आपके सामने में है, आप देख लीजिए कब केस फाइल हुआ था, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए न्यू हियरिंग डेट आपको 14 मई को अभी देख लीजिए सुनवाई हुआ था, लास्ट हियरिंग देखिए प्रेजेंट यहाँ पर लास्ट लिस्टिंग आपको दिया गया है। उसके बाद आगे देख लीजिए न्यू हियरिंग डेट आपको नहीं दिखा रहा है, हम अभी आपको दिखाएंगे न्यू हियरिंग डेट कहाँ है। तो लास्ट आपका सुनवाई हुआ था 14 मई 2024 को और न्यू हियरिंग डेट दे दिया गया था। चलिए सबसे नीचे चलते हैं और आपको देखिए क्या चीज़ पर क्लिक करना है तो न्यू हियरिंग डेट मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेगा और नीचे आपको यहाँ पर लिस्टिंग डेट आपको देखना है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये खुल के आएगा और खुलेगा तो आपको नीचे जैसे ही कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा लिस्टिंग डेट। देख लीजिए यहाँ पर देखिएगा तो न्यू हियरिंग डेट फिर से आपको दिया है, देख लीजिए 6 अगस्त 2024, ये बात आपको कोई जल्दी नहीं बताएगा, देख लीजिए। और बहुत सारे जो है यूट्यूब पर लोग हैं जो आपको कह रहे हैं बीटीएससी जेई का वैकेंसी क्लियर हो गया, मतलब जितना जिसको समझ रहेगा उतना ही लोग आपको बात करेगा, उतना ही चीज़ बताएगा, क्योंकि पिछले 6 महीना से आपको जो है बेवकूफ़ ही बना रहा है और अभी भी बेवकूफ़ बना रहा है और आप लोग बेवकूफ़ आसानी से बन जाते हैं। जब देखिए न्यू हियरिंग डेट आपको दिया गया है 6 अगस्त 2024, तो फिर कैसे ये वैकेंसी क्लियर हो गया, तो ऐसे ऐसे लोगों से आपको बच के रहना, नहीं बचिएगा तो ये पागल बना के आप लोगों को छोड़ देगा। समझ में आ गया, देख लीजिए यहाँ पे। अब बात करते हैं न्यू वैकेंसी के बारे में, ये तो देख लीजिए न्यू हियरिंग डेट कब है, 8 अगस्त को है और अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, फिर देखिए जून जुलाई अगस्त कंटिन्यू, अभी आपको जो है 2.5 महीना तभी वेट करना पड़ेगा, कब से कब 2.5 महीना, उसके बाद ही न्यू हियरिंग डेट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपको जल्दी हियरिंग डेट नहीं मिलेगा, 2 महीना 3 महीना के अंतराल में ही हियरिंग डेट मिलता है। अब बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट न्यू वैकेंसी, जो बीटीएससी जेई की न्यू वैकेंसी पर स्टे लगाया, क्या स्टे हटा दिया है, तो नहीं अभी स्टे नहीं हटी है, ठीक है। और इस डेट में भी क्लियर ये वैकेंसी होगा या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सबको पता था। और ये जो है शशिभूषण प्रसाद सिंह है बहुत अच्छे आदमी है, इनसे हम बातचीत भी किए थे तो बोले थे जो 90% केस तो सॉल्व हो गया है और 6 अगस्त को पूरा हो जाएगा। ये शशिभूषण प्रसाद जी बहुत अच्छे लोग हैं, इनसे बातचीत भी हुई है तो ये बोले हैं जो 6 अगस्त का ये वैकेंसी क्लियर होगा। तो सोच लीजिए 2019 का वैकेंसी और अभी तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है, और आप लोग बोलते हैं न्यू वैकेंसी के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगाया रहता तो न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलती, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं हटाएगा तब तक आपको बीटीएससी के द्वारा न्यू वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग जो बार बार अभी भी 12 बजे कमेंट कर रहे थे, तो सर बताइए जो बीटीएससी जेई की न्यू वैकेंसी कब आएगी, इसीलिए हम ये आपको दिखा दिए, देख लीजिए 14 मई का सुनवाई हुई थी और न्यू हियरिंग डेट आपको 6 अगस्त दिया गया, और लोग आपको सोशल मीडिया पर बता रहा है जो वैकेंसी क्लियर हो गई और जीत हो गया, तो ऐसे ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, जो सिर्फ बच्चे के बीच को जो है बच्चे के बीच में आके और झूठ बोलने का काम करता है, ऐसे ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानकारी देने वाले थे, जो अभी न्यू वैकेंसी के बारे में भी आपको सोचना नहीं है जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होता है, अदरवाइज अगर अदर वैकेंसी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अदर वैकेंसी में ट्राई मारिए, क्योंकि इसमें अभी लंबा समय लगने वाला है।
तो दोस्तों BTC JEE के बारे में जो भी अपडेट आई है वही हम आपके भी शेयर किया, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करा, नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही BTC JEE के बारे में और भी कोई अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।